ओके सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आप लोगों को ब्लैकआउट के ऊपर एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, जो कि मैं अभी ड्राई डॉक में था तभी हमारे जहाज पे पूरा ब्लैकआउट हुआ था, तो मैंने उस टाइम पे पूरा वीडियो बना के रखा है। सो गाइस जल्दी से वीडियो चालू करते हैं और मैं क्यों ब्लैकआउट हुआ था वो सब वीडियो के अंदर ही बताऊँगा। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो। यहाँ पे स्काईलाइट है, स्काईलाइट से लाइट आ रहा है इंजन रूम में। दूसरा बाकी सब पूरा बंद हो गया है, तो आप देख सकते हो। मैं आप लोग को पूरा क्लोज व्यू दिखाता हूँ। ओके सो गाइस पूरा इंजन रूम अभी बंद पड़ा है, मतलब अभी वायरिंग का काम चल रहा है। सो पूरा इंजन रूम को बंद किया है, मतलब पूरा पूरे एकोमोडेशन में लाइट बंद है। तो आप देख सकते हो ब्लैकआउट में किस तरीके से दिखता है, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही, पूरा इंजन रूम शांत है एकदम। वैसे जनरेटर वो सब चलता रहता है, जनरेटर भी अभी ड्राई डॉक में इसलिए बंद है। सो आप देख सकते हो अभी मैं आप लोग को ECR में लेके जाऊंगा। ओके सो ECR में दो इमरजेंसी लाइट सिप चालू है, आप देख सकते हो इमरजेंसी का सिंबल, रेड कलर का दो जो सिंबल रहता है वो इमरजेंसी का रहता है। सो सिर्फ इमरजेंसी लाइट चालू है, जितनी इमरजेंसी जनरेटर से कनेक्टेड है सिर्फ वही चालू है। यहाँ पे इसका मॉनिटर रिपेयर हो रहा है और अभी शाम के 6:30 बज रहे। सब देख सकते हो कि ये इमरजेंसी है, इसकी ब्रीथिंग डिवाइस है। यहाँ पे सब सिंबल आप लोग को दिखेगा, यहाँ पर CO2 भी है, अगर कुछ आग वाग लग जाएगा अंधेरे में तो यहाँ से आप लोग को पता चलेगा। अभी बाहर जाएंगे, अबे और क्या क्या सिंबल आप लोग को देखने मिलता है, तो ये सब आप देख सकते हो। ये बाहर का एरो भी है, यहाँ से आप बाहर एग्जिट कर सकते हो एग्जिट के लिए। और ये सब वाटर के लिए, ये वाटर टाइप है। सो यहाँ यहाँ पे वाटर का सिंबल है ऐसे। तो ये ड्रिंकिंग वाटर का भी आप लोग को दिख सकता है, यहाँ पे पानी के लिए यहाँ पे। एक मिनट अभी मैं लाइट ऑन करके आप लोग को सब दिखाऊंगा। ये सब देख सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर का, यहाँ पे पानी पीने के लिए। लेकिन आप देख सकते हो A to Z सब पूरा इंजन रूम में जितना सीनरीज है सब बंद है। मैं अभी आपको नीचे लेके जाता, लेकिन तो नीचे अभी डाइडो का काम चल रहा है, सो मैं नीचे नहीं लेके जा सकता, मतलब कुछ हो जाएगा। और मैं अभी हेलमेट भी नहीं पहना है क्योंकि अभी तो छुट्टी का टाइम है, लेकिन अभी वायरिंग चेंज कर रहे थे, मैंने सोचा कि ये वीडियो बना लेता हूँ ताकि आप लोग को भी पता चले कि ब्लैकआउट सिप में कैसा होता है। अभी तो पूरा एकोमोडेशन भी ब्लैकआउट है, अभी मैं ऊपर भी आप लोग को दिखाता हूँ कि एकोमोडेशन में कैसा दिखता है ब्लैकआउट में। ओके सो गाइस मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ, देख सकते हो बाहर का इमरजेंसी एग्जिट का सिम्बॉल भी दिखा रहा है। मैं इंजन रूम के बाहर आ गया हूँ, बाहर का व्यू कुछ इस तरह से जा रहा है। ओके सर ये एकोमोडेशन है, एकोमोडेशन में भी पूरा अंधेरा अंधेरा है। गैले यहाँ पे ये अपना टू मैस रूम और ये गैली, गैली में चिंटू का भी काम कर रहा है, फिर भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। और सब चिपको चिपकू विश्वास नहीं दे रहा है, फिर भी हम चिपकू के पास जाएंगे। ओके चिपकू आप क्या कर रहे हो अभी? तैयारी कर रहा हूँ, लाइट गया है फिर भी इक्विपमेंट काट रहे इक्विपमेंट ही बोल रहे इक्विपमेंट नहीं रहे सब्जी, बाकी का सब तैयारी कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो अगर आपको अच्छा लगा। सो
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले स्टे असम।